अंसारी समाज की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, तो इस 2020 का जो मिशन है उसमें अंसारी समाज किस तरह से काम करेगी ये बताइए सर। ये अंसारी समाज पूरे बिहार में एक साल से वसीम नैयर साहब के नेतृत्व में अंसारी समाज के लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। 6 महीना पहले हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और वहाँ से पूरे बिहार को मैसेज दिया गया था। इन हम तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ हैं वो हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रही हैं और भाजपा RSS का डर दिखाकर, तो हमारे समाज के लोग ये समझें कि हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जब हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो हम अपनी बात कह नहीं सकते हैं। तो जो भी साहब महागठबंधन में जो भी सेकुलर पार्टियाँ हैं वो हमारे समाज के जो आबादी है उस आबादी को मद्देनज़र हमको सीट देने का काम करें, और वो सीट नहीं देती हैं, हमसे कम आबादी वाले लोगों को तरजीह दी जा रही है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और हम लोग तो शुरू से ही सेकुलर पार्टियों के साथ हैं, कांग्रेस के ज़माने में भी, RJD के ज़माने में भी, और इसमें भी मैं तो खुद RJD से हूँ। कितने सीट का मांग करेंगे सर इस बार आप? नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि RJD में महागठबंधन से कांग्रेस भी उसमें है, कम से कम हर जिला में एक सीट अंसारी बरादरी को दिया जाए ताकि उसकी भागीदारी विधानसभा में सुनिश्चित हो। जब हमारी आप सिवान जिला के RJD से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उस वक्त आपने अपनी बरादरी के लिए क्या काम किया? देखिए, जब हम जिला अध्यक्ष थे 2001 से लेकर 2010 तक पूरे सिवान जिला में मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था, आप पूछिए किसी से, हर प्रखंड में मैंने मीटिंग करके RJD को काफ़ी मजबूत किया था। लेकिन 2010 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा पूरे सिवान में, गोपालगंज में भी, और उस वक्त RJD के तमाम लोग हार गए। मैं उस वक्त जदयू ज्वाइन किया नीतीश कुमार के समक्ष रिएक्शन में, और उसके तमाम सीटों पर हम लोग हरवाने का काम किया कि जब हमारे हमको आप टिकट नहीं दीजिए। उस वक्त सिवान और गोपालगंज में 4 टिकट दिया गया अल्पसंख्यक को, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ उसमें किसी बैकवर्ड मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। इस मुद्दे को मैंने साहबुद्दीन साहब के साथ भी उठाया था कि कम से कम एक टिकट तो मिलना चाहिए था, नहीं दिया गया। और मैं जितने कैंडिडेट थे सबसे सुपर कैंडिडेट था किसी भी हैसियत से, एजुकेशन से या किसी भी हैसियत से, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला। सर एक लास्ट सवाल सर, अगर महागठबंधन या कोई दल आपको टिकट नहीं देती है तो इस बार आप महागठबंधन से विद्रोह का बिगुल बजा के आप लोग इंडिपेंडेंट? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो हम लोग बड़हरिया में अपने खुद दावेदार हैं RJD के। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़हरिया में सिवान जिला में एक सीट RJD दे, बड़हरिया में दे, वहाँ RJD का कोई कदावर नेता नहीं है और वहाँ JDU की सीट पे MLA हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि और जगह तो सेटिंग है वहाँ पे एक टिकट मिले। और तो ये माना जाए सर कि मतलब कि आप अपने प्रकोष्ठ के सदस्य होने के बावजूद जो है RJD की तरफदारी कर रहे हैं और RJD से चुनाव लड़ने की उम्मीद भी रखते हैं? चूंकि हम RJD में हैं, हम ये चाहते हैं गठबंधन, और गठबंधन के भी कोई आता है तो हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन वो मेरे समाज से आए। मेरा ये कहना है कि गोपालगंज, आपके बगल में गोपालगंज है, 2 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लड़े थे इसके पहले, नमतुल्ला साहब जीते बरौली से, राजू साहब हार गए गोपालगंज से। तो हमारा ये कि सामाजिक समीकरण में सबको लेके चलिए, ये नहीं लगे कि हमको छांट दिया गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। सिवान जिला में महमूद हसन अंसारी एक जाना माना पहचाना सा चेहरा है, आप सिवान जिला वासियों को अपने स्तर से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो ये संदेश देंगे कि फासिस्ट ताकतों को हराने के लिए तमाम लोग गठबंधन को वोट दें, लेकिन गठबंधन से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप ईमानदारी के साथ टिकट का बंटवारा नहीं कीजिएगा तो हम पार्टी में रख के भी आपके विद्रोह करेंगे। इसलिए हमारा हक है, और हक के लिए आवाज़ उठाना, हम पार्टी को उस वक्त नहीं सोचेंगे, हमारा हक नहीं दिया गया तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, देखिए, पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ी आबादी अंसारी समाज का है। 25% जो अति पिछड़ा समाज का जो आबादी पूरे बिहार में, उसमें 11% इकलौता अंसारी समाज का है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा की सीट पर एक भी अंसारी समाज से हमारा विधायक नहीं है। पूरे बिहार से 75 MLC का सीट है, उस 75 MLC में भी एक भी अंसारी समाज से हमारा MLC नहीं है। इसी बिहार से 40 लोकसभा के सदस्य चुने गए, लेकिन उसमें भी हमारा एक भी सांसद नहीं है, और 16 राज्यसभा के भी मेंबर हैं, उसमें भी हम 0 पर आउट हैं। मगर सलीम परवेज साहब तो कुछ दिन पहले जो है इसके पहले सदस्य रह चुके हैं। जी, पहले रह चुके हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आज की बात करेंगे 2020 जब है। अंसारी समाज में जाने माने चेहरा है जी, वो आए कि नहीं है? नहीं, तबीयत खराब होगी, कार्यक्रम आ जाना था उनको, यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। सर, इस चुनाव में कितना परसेंट काम करेगा? देखिए, अभी तो हम लोगों को जगाने के लिए निकले हैं, एक साल से लगातार पूरे बिहार का दौरा कर करके अपने समाज को जगा रहे हैं कि आपकी 11% की आबादी है,
1% 2% वाले लोग पार्टी बना करके आज गठबंधन में 4 सीट 5 सीट 10 सीट 20 सीट का दावा कर रहे हैं, तो हमारा 11% का आबादी है। जिस दिन हमारा आबादी जाग जाएगा, हम 1-2 सीट नहीं पूरे बिहार में 30 सीट लेने का काम करेंगे। सर, पिछड़े अगर हैं आप तो किस वजह से हैं, क्या आपकी कमियां रही हैं जिसकी वजह से आप अभी तक पिछड़े रहे हैं? देखिए, कई लोगों ने सामाजिक न्याय का बात किया, कई बड़े बड़े नेता आएंगे सामाजिक न्याय करेंगे, जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको आगे लाएंगे, लेकिन आज तक हमारे समाज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, इसी वजह से आज हमारा समाज पिछड़ते और पिछड़ गया। जिस समाज की भागीदारी सत्ता में नहीं होगा, एक दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा पतन के आखिरी स्टेज में लोग चल रहे हैं। क्या एजेंडा होगा आपका, किस मूल इस पे आप जाकर चल करके अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे? हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी और सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर के पूरे बिहार में कैंपेन चलाया है। इस बार अगर हमारे समाज को महागठबंधन टिकट नहीं देगा, तो हम लोग इस बार तैयार हैं कि आप अगर हमको टिकट नहीं देंगे तो हम भी आपकी वोट की ताकत से चोट देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में सम्मेलन रहेगा या सिर्फ सिवान में? नहीं, पूरे बिहार में 2 कार्यक्रम, 7 तारीख को हमारा गुरुआ विधानसभा में हुआ, 8 तारीख को बाराचट्टी विधानसभा में हुआ, आज 9 तारीख को हम लोग यहाँ आए हुए हैं, 10 तारीख को कार्यक्रम है, 12 को समस्तीपुर उजियारपुर में है, 13 तारीख को रफीगंज, पूरे बिहार में ये चल रहा है। क्या माना जाए आपको कि सिवान में रघुनाथपुर जो विधानसभा है उसमें आपके जाति के सबसे ज्यादा वोट जो है 11% की दावेदारी रखते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपके काज से कोई जो है उम्मीदवार यहाँ पर आएगा? ये तय है, पहले राउंड में हम लोग की बात कई पोलिटिकल पार्टी से चल रहा है। अगर हमारे समाज को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो इस बार हमारा समाज तैयार है, सभी जगह जो अंसारी बहुमूल 40 सीट है उस पर हम लोग अपना उम्मीदवार देने का काम करेंगे। क्या हो सकता है कि आप एक पार्टी तैयार कर रहे हैं जो अंसारी समाज का स्पेशल पार्टी हो, अगर आपके बातों नहीं को पार्टी तो कोई जाति विशेष का नहीं होता है। हम लोग जो पार्टी एक राष्ट्रीय महापंचायत के नाम से पार्टी रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि तुरंत इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने वाला है तो इस समय रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। इस बार जो हमारा लक्ष्य है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मान लिया जाइए कि आपके साथ महमूद हसन अंसारी साहब भी बैठे हैं, कुछ दिन पहले अल्पसंख्यक के नाम से आप लोगों को जोड़ा जाता था, क्या वजह रही कि सिर्फ आप अंसारी महासभा जो है पैदा करिए? देखिए, इसमें भी 2 तरह का मामला था। पूरे बिहार में आज 23 मुसलमान विधायक हैं, 23, लेकिन उसमें भी अंसारी समाज के एक भी विधायक नहीं है। हमारे यहाँ भी डिफरेंसेस है, जो बैकवर्ड समाज में आती पिछड़ा समाज में जो मुसलमान आते हैं उनको कहीं जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को अलग से अंसारी महापंचायत बनाना पड़ा कि हमको भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। नीतीश कुमार ने डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल नहीं किया था कि आप लोगों को उस वक्त जो है जो हटाया गया था कि आप जो है अंसारी समाज से आपको जो है बायकॉट किया जाता है, हर तबका हर पार्टी जो है आपको सिर्फ जो है वोट बैंक का इस्तेमाल करती है, और आज तक नीतीश कुमार भी जो है आप लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमने पहले ही कहा, सभी पॉलिटिकल पार्टियां, ये सिर्फ राजद कांग्रेस के लिए नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमको जगह नहीं दिया। यही वजह है कि आज चारों सदन में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में और राज्यसभा में बिहार से हम लोग 0 पर आउट हैं। तो क्या कोई भी आपको आमंत्रण देगा, चाहे वो किसी भी एजेंडे पे काम कर रहा हो, आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? पहली हमारी कोशिश है कि फासिस्ट ताकतों को रोकना है। सर, एक सवाल, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है जी, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आपकी पार्टी को कोई आदमी नहीं देता है सीट लड़ने के लिए, तब क्या करेंगे बताइए? हमारा क्लियर उद्देश्य है, हम 40 से 42 जगह पे अंसारी महापंचायत बिहार, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसके बैनर तले लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम मैदान में जाएंगे, हमारा जो उम्मीदवार होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, अंसारी महापंचायत बिहार समर्थित उम्मीदवार होगा। वसीम नैयर अंसारी, संयोजक अंसारी महापंचायत बिहार।